मंदा है तो व्यापार पर तो असर ही पड़ता है ना। रेट अच्छा नहीं मिल पाया, मंदी की वजह से ही नहीं मिल पाया। बिकेगा तभी तो दुकानदार आ ले जाएगा। नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हम आपको लगातार दिल्ली के अलग अलग बाज़ारों से मंदी का माहौल या बाज़ारों की स्थितियां दिखा रहे हैं कि क्या जो पूरे देश में मंदी बताई जा रही है उससे व्यापारों पर क्या असर पड़ा है। पहले हमने आपको चांदनी चौक, करोल बाग, सदर बाज़ार और अन्य बाज़ारों से स्थितियां दिखाई हैं। आज हम दिल्ली की गाज़ीपुर फूल मंडी में आए हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या स्थिति है, क्या मंदी का असर यहाँ भी देखा जा रहा है। त्योहारों और अब जो शादियों का सीज़न आ रहा है उस पर क्या यहाँ पर मंदी की वजह से कोई कमी है, लोगों की बाइंग कैपेसिटी कम हुई है? क्योंकि फूलों का जो काम है, फूलों का जो व्यापार है, वो एक ऐसा काम है जो व्यक्ति बाद में करता है। सजावट का जो काम है वो बेसिक काम करने के बाद, जो बेसिक नीड्स हैं आपकी उनको करने के बाद करता है, क्योंकि ये लग्जरी में शामिल होता है। और उसका असर, जो मंदी का असर है, क्या इन बाज़ारों में, इन मंडियों में वर्तमान में मौजूद है? मंदी का क्या असर रहा है अब तक पिछले कुछ महीनों में जो मंदी रही है पूरे देश भर में? उदाहरण के तौर पर समझना चाहता हूँ, 100 रुपये कमा रहे थे एक दिन में, तो अभी कितना कम हो गया मंदी की वजह से? 20%, यानी कि 20 रुपये कमा रहे हैं हम एक चीज़ पे। तो बहुत कम हो गया, 80% कम हो गया। बिल्कुल, क्यों? वजह है, अब ये लड़ी बनवा रहे हैं और मैं बनाता हूँ वाला, ठीक है भैया। 99% गेट के बाहर जाओगे तो डुप्लीकेट फूल मिलेगा, हर चीज़ ओरिजिनल के जैसा, जैसा हम यहाँ पे मार्केट में। वो कौन लेके आते हैं? प्लास्टिक के फूल जो इस्तेमाल। अच्छा, ठीक है भैया, चाइना वाला फूल है। बिल्कुल, और जब हमारे, एक बात बताओ, ओरिजिनल वाला किसान लेके आके हमारे सर पे पटक देता है, ठीक है, उसको तो हम कैश पेमेंट देते हैं। बिल्कुल, देने के बावजूद भी ये हाल होता है कि भैया हमारे को देने के बाद भी 20 रुपये नहीं बचते, लेबर के बनवाने की तो बात ही छोड़ो। अब हमारा लूज फूल 100 रुपये किलो हो गया तो ग्राहक इस फूल को नहीं खरीदता है, चाइना ले जाता है। प्लास्टिक का फूल वो क्या है कि इस साल लगाया और उतार के रख दिया, अगली साल फिर इस्तेमाल करा। और हमारा फूल क्या है कि 2 दिन या 3 दिन चलेगा। पैसा कम है पब्लिक के पास, जो पहले जैसी बातें थी वो नहीं है। आप अब ये GST लग गई, हर आदमी निकालना नहीं चाहता, जो पहले खर्चा करता था वो अब नहीं हो रहा। और ये एक्स्ट्रा वाली चीज़ है, फूल जो है एक्स्ट्रा वाली चीज़ है, सजावट वजावट जो है वो आदमी बाद में देखता है, पहले जो ज़रूरी सामान है वो देखता है। हाँ जी, खान पान या जो ज़रूरत का सामान है, पहले ज़रूरी चीज़ घर में जाएगी। ये फूल तो बाद की बात है भाई, जितना बजट होगा आदमी का उसी हिसाब से लगाएगा। अगर 200 बचे तो हम 200 का ही लाएंगे। मिनिमम ये फंस रहा है, बस गुजारा नहीं हो पा रहा है इस चीज़ के अंदर। केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इतना तो गारंटी मंडी वालों के लिए। हाँ जी, मंडी वाला हमारे फूल मंडी के बारे में नहीं किया। क्या काम होना चाहिए था वैसे? काम तो ये होना चाहिए जैसा उनको करके दिया वैसा हम लोग को करके देते हैं। करके दिया सब्जी मंडी वाले को, सब्जी मंडियों को जिस तरीके आप खुद देख रहे हो, अगर करके देते हमारा प्रधान भी खुश होते, जवाब तो उनके पास तो है, वो भी खुश होते हैं। प्रधान साहब ने तो एक बड़ा बोर्ड लगा रखा है केजरीवाल साहब के सामने, वो प्रधान जी लगा रखे हैं इसलिए कि भाई सुविधा तो हमारे चेयरमैन साहब हैं विजय जी, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा करी। अभी मेला लगा था उसमें बहुत बढ़िया सुविधा करी, किसी कोई परेशानी नहीं, किसी की उभाई नहीं हुई, कोई बदमाशी नहीं हुई, सब चेयरमैन साहब के सहयोग से हुआ है। और किसी से मंदी का असर है काफी। किस तरह का असर है भाई? जो फूल आता है जैसे किसानों का है भाई, नहीं बिकता तो किसान नहीं लाता, नहीं उगाई करता भाई। किसान तो चाहता है ना कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बिके, ऊँचे रेटों में बिके, तो इससे मंदी का दौर है। किसान नहीं बोता, किसान फसल मर जाता है, किसान इतना लगेज भी नहीं मिलता। अभी दिवाली पे भी काफ़ी किसान आए थे तो वो ये मंदी के वजह से नहीं बिक पाया, फेंकना पड़ गया, इतना लगेज पड़ जाता है उनको भाई। जैसे राजस्थान से ला रहे हैं तो लगेज भी तो पड़ जाता है ना, रेट अच्छा नहीं मिल पाया, मंदी की वजह से ही नहीं मिल पाया। ये पिछले साल तो 200-250 रुपये किलो गेंदा बिका था, अब अगर 100 पे डंप हो गया। अच्छा, हाँ तो मंदी का ही कारण तो हुआ ना 100 पे डंप हो, 200-250 में भी गेंदा पैदा नहीं हो रहा था, मिल नहीं रहा था। इस बार खूब आराम से 100 रुपये, 100 रुपये मिल रहा था, माल किसानों का बिक ही नहीं रहा था। अब यही तो मंदी का ही कारण है। 100 रुपये के अंदर भी माल नहीं बिक रहा था, पिछली बार 250 में बिक रहा था। उसका साफ साफ ये कारण है कि जो कस्टमर है उसकी बाइंग कैपेसिटी कम हुई। बिल्कुल, तो वो कम खरीद रहा है फूल वगैरह। बिल्कुल, तो आप लोगों पर भी असर है और किसानों पर भी असर है। मैंने तो
किसानों से जुड़े हुए हैं ना, हम तो मेन किसानों से जुड़े हैं, किसानों को अच्छा रेट मिले तो भाई मंडी में वो होगा, मेन किसानों से जुड़े हुए हैं। हाँ, खरीदार तो कम ही है, सेलिंग कम है तो कम ले ही जाएंगे। कुछ कारण बताते हो इसका, कभी जब मिलते हैं तो? नहीं, कह रहे बिक नहीं रहा तो क्या करूँगा, बिकेगा तभी तो दुकानदार आ ले जाएगा। मंदा है तो व्यापार पे तो असर ही पड़ता है ना, ये आपका जन्माष्टमी है और ये आपका ये दिवाली है, त्योहारों पे थोड़ा हमें मिलता है बेनिफिट। पूरे दिल्ली का एक ही है बड़ी, सबसे बड़ी मंडी है। हाँ। इसके अलावा यहाँ छोटी छोटी मंडियाँ हैं, यहाँ पे हर एक तरह के फूल मिलते हैं, सीजन के हिसाब से होता है, हर एक फूल का सीजन होता है जी। और गुलाब का फूल 12 महीने मिलते हैं हमेशा, बाकी और जो फूल हैं उसका सीजन के हिसाब से होते हैं। गुलाब है, गुलावरी है, कनेर है, गेंदा है, जाफरी है, रजनीगंधा है, और क्या नाम है, सनाफ इंडिया है, फूल तो कई किस्म के। सबसे महंगा फूल कौन सा है? सबसे महंगा फूल हमारे यहाँ मंडी में ऑर्किड के लग रहे हैं। ऑर्किड का लग रहा है। क्या हिसाब रहता है वो? वो बंडल के हिसाब से आता है, बंच के हिसाब से आता है। कितने रुपए बंच मतलब? अरे वो लगा के समझ लो 200 रुपए से लेके कभी कभी 350-400 तक हो जाता है। और एक बंच में कितने फूल होते हैं? ये एक बंच में वो 10 पीस होता है। ग्लाइडोला कितने का आता है ये? कभी 120 कभी 150 मंडी के हिसाब से रहता है। 120 या 150 में कितने फूल होते हैं ये? 24 मतलब एक, ये जो एक बंडल में 24 होते हैं, एक बंडल में 24 होते हैं। इसमें अब ये कम कर दिया, अब इसको ले गई तो इसको इसमें ये कम कर दिया। ऐसा है मतलब कि अगर एक ये ले लिया तो 23 कर देंगे इसमें 24 की जगह। पूरे मतलब खेल आप जो है देख कर खेलते हैं? कोई जरूरी नहीं 24 का हो। 8 तारीख से जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से शादियां शुरू होने वाले है ना, तो उससे पहले से ही कई लगन वगन होती हैं, सगाइयां होती हैं, तो उनके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए होंगे। अभी नहीं आए ऑर्डर? अभी ऑर्डर नहीं आए, पहले ऑर्डर आ जाते थे 10 दिन पहले आ जाते थे। अभी ऑर्डर नहीं आए, पहले आ जाते थे 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, लेकिन अभी कोई किसी का ऑर्डर नहीं आया। शादी होगी तो बिना जयमाला की शादी थोड़ी करेंगे। बिना जयमाला की जयमाला शादी थोड़ी करेंगे, जयमाला होगी जब शादी करेंगे। देहात में जयमाला हो ना हो शादी कर देते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे शहर में जयमाला शादी नहीं होती है। नहीं, अब तो सभी जगह पर जयमाला कम से कम होती होती है, जैसे प्रॉपर देहात है वहाँ पर नहीं है जयमाला अभी। लेकिन जो सबसे बड़ा आपका जो त्यौहार है वो यही सीजन है जो शादियों का आ रहा है, क्योंकि उसमें शादियां खूब सारी होती हैं। नवंबर दिसंबर अक्टूबर में शादियां, अब शादियां शुरू हो जाएंगी। हाँ, एकादशी किससे हो जाएगा? देवउठान 8 तारीख का है। हाँ। उससे 2 दिन पहले से ही कई जगह लगन होती हैं, सगाइयाँ होती हैं, उनसे भी क्या कहते हैं लोग काफ़ी ले जाते हैं। हाँ, अभी सेल नहीं है, अभी 8 तारीख से काम चलेगा। अभी तो बना बना के लगा रहे हैं पेटियों में। ये पेटी में रख देंगे इतने दिन चल जाएगी? है आराम से, तो क्या उसमें आइस में रखा जाता है? अच्छा, आइस में रखते हैं हम लोग। हमारे यहाँ पे भी मंदी का उतना ही असर है जो लगभग देश में सब सेक्टर्स में है। हमारे यहाँ भी बायर्स जो है वो कम हुए हैं, लेकिन हमारे रेवेन्यू पे आप इसलिए फ़र्क नहीं कर सकते कि हमारा रेट जरूर बढ़ा है फ्लावर्स का। रेट फ्लावर्स का बढ़ने की वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू में अगर आप डिफरेंस करेंगे तो बहुत फ़र्क दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन बायर कैपेसिटी बहुत कम हुई है। जो पहले जो ज़्यादा ग्राहक आता था हमारे यहाँ वो डेफिनेटली कम हुआ है। मंदी का असर फिर भी कट फ्लावर पर बहुत ज़्यादा देखने को होता है। जैसे हमारे 2 कैटेगरी है, कट और लूज वाले। तो अभी दिवाली पर जैसे लूज फ्लावर्स का काम था, तो लूज में 3 दिन में दिवाली का ठीक काम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो पूरे साल कट फ्लावर होता है जो हम लोग लगाते हैं, जैसे आप लोग हम लगाते हैं फ्लावर पॉट वगैरह में, तो इस पे बिजनेस में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि ये लग्जरी उसमें आता है, तो इस फ्लावर पे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत जल्दी ज़मीनी तौर पे आप लोग भी देखेंगे और ट्रेडर्स भी देखेंगे, यहाँ बहुत जल्दी गवर्नमेंट मंडी बनाने जा रही है। ये सर सरकारी आंसर का? नहीं, सरकारी नहीं है, मैं ग्राउंड पे ही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। तो शायद बहुत जल्दी जल्दी मतलब मैं शायद आपको एग्जैक्ट डेट नहीं बता पाऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी शायद 1-2 महीने के अंदर ही आप देखेंगे कि यहाँ पे CM इनॉग्रेशन करेंगे और यहाँ ये मंडी का काम शुरू हो जाएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।